फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। मतलब बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मजा आने वाला है। क्योंकि यार बहुत दिनों से हम लोग के चैनल पर कोई एक्सपेरिमेंट का वीडियो नहीं आया था। यार हम लोग के दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आ चुका कि मतलब जो आप देख रहे हो, ये हम लोग के पास एक बल्ब है जो कि 100 वाट का छोटा सा बल्ब है। एक्चुअली बांटते हैं हम लोग इसको, जब बलता है मतलब ये जलता है कुछ इस प्रकार से, तो एक्चुअली हम लोग जब इसको बांटते हैं बाहर, घर के बाहर, कभी इसको आप बहुत लोग देखे होंगे कि घर के बाहर ये जब बलता है जलता है, तो कभी भी बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ता है तो ये बल्ब खराब हो जाता है। थोड़ा सा भी इसके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो ये खराब हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि यार इसको जब हम पानी में डुबा देंगे, यानी कि जानबूझ के इसको पानी के अंदर रखेंगे और जलाएंगे, तो क्या ये जलेगा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और इतना ही नहीं, बल्कि आप जो थंबनेल में देखे हो उससे भी बहुत ही ज्यादा, मतलब हम लोग इसको बाल के रखते हैं क्योंकि ज्यादा हिट रहेगा और बेहतरीन होगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर ना अलग अलग तरीके से दिखाने वाले हैं कि हम लोग, मतलब एक ही बल्ब है, एक्सपेरिमेंट तो एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग करेंगे ये जो बल्ब है इसको पानी के अंदर डालेंगे, उसके बाद जलाएंगे, फिर उसके बाद अपन लोग इस बल्ब को हीट करेंगे, फिर पानी के अंदर डालेंगे, फिर देखेंगे कि इसका रिएक्शन क्या होता है। उसके अलावा सबसे एंड में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो शीशा का कवर, यानी कि जो हम लोग का ये बल्ब है इसके ऊपर जो शीशा है, इसको हटा के सिर्फ एलिमेंट को, जो हम लोग का ये बल्ब का एलिमेंट है, सिर्फ इसको पानी के अंदर डालेंगे और इसमें करंट देंगे, देखेंगे क्या मतलब ये बल्ब हम लोग का जलता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? या फिर खराब हो जाता है, या फिर जो भी कुछ होगा वो आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा, या फिर जो कुछ भी होगा। यार क्या बताने का है, जो होगा वो आप लोग को, हम लोग मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मुझे भी जानकारी नहीं है कि क्या होगा वीडियो के अंदर जब हम लोग ये सब करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नहीं वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के एंड घंटी के आइकन को ऑल पे प्रेस करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक ग्लास ले चुके हैं जो कि आप ये देख सकते हो बिल्कुल खाली है, एंड हम लोग एक पीने का पानी ले चुके हैं जो कि बिल्कुल ये साफ है। और क्या करेंगे, सबसे पहले इस बल्ब को इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन इसको डालने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर पानी भर देंगे ताकि मतलब इसको डालने में आसानी हो, लेकिन पूरा गिलास आपको नहीं भरना है, क्योंकि जब ये बल्ब हम लोग अंदर डालेंगे तो ऊपर की साइड में आएगा, ये बल्ब ऊपर आता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये काफी पानी हो चुका है, यहाँ पे देख लो आप बिल्कुल ये काफी पानी हो चुका है। ठीक है, इतना काफी है क्योंकि हम लोग को सिर्फ बल्ब को ही अंदर रखना है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग का ये जिस बल्ब को रखेंगे ऐसे, तो ये हम लोग का बल्ब ऊपर के साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसके अंदर कुछ वजनदार रखना होगा, यानी कि टेपिंग करना होगा, तब जाके ये अंदर होगा, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि फटे तो हम लोग को यहाँ पे नुकसान हो सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, इसको टेपिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टेपिंग भी इसका कंप्लीट कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख लो अच्छे से, जो हम लोग का बल्ब जो है ऊपर के साइड नहीं आएगा, क्योंकि देख सकते हो पूरा ये बल्ब इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है, यानी कि पानी से डूब चुका है। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा और इसके अंदर पानी डालते हैं, क्योंकि हम लोग इस बल्ब को पूरा डुबाने वाले हैं। ठीक है, तब जाके अपन लोग को मजा आने वाला है, बट हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, जो हम लोग का ये इसमें करंट गया होल्डर से उसको हम लोग को शॉर्ट सर्किट नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी गिलास ये भी भर चुका है पूरा तरह से, अभी टेप भी कंप्लीट हो चुका है, एंड आपको देख सकते हो कि वायरिंग भी हम लोग साइड में ले चुके हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पूरा क्लियरिंग कर चुके हैं, अभी आपको मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। ओ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि पूरा तरह से बल्ब रहा है, हम लोग जितना सोचे थे उतना कोई नुकसान नहीं है, यानी कि देख लो आप ये मतलब अच्छी से ग्रो कर रहा है, यानी कि मतलब जो पानी में भी आप इस बल्ब को जला सकते हो, यानी कि ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको चाहेंगे ना तो इसे टेपिंग करके ऊपर के साइड जो आप ये देख रहे हो, जो हम लोग का होल्डर है इसके ऊपर टेपिंग कर देंगे, और जहां से होल्डर हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं वहां पे हम लोग टेपिंग कर देते हैं, तो इसको हम लोग पानी के अंदर भी जला सकते हैं, ये बल्ब हम लोग का खराब नहीं होगा। आप देख लो लाइव यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस बल्ब को आप पानी के अंदर भी जला सकते हो, यानी कि मतलब हम लोग इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या ये गिलास हीट होता है, यानी कि जो हम लोग पानी, यानी पानी अभी भी इसका टेम्परेचर अलग हो गया है यहाँ पे देख लो, क्योंकि अभी हम लोग का पूरा ठंडी का मौसम है, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा करके गिलास गर्म हीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बल्ब जल रहा है इसके अंदर से। आपको ऊपर से थोड़ा सा बाप भी दिख रहा होगा, बट कैमरे में नहीं दिख रहा होगा एक्चुअली यहाँ पे देख लो, बट हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट था ये पहला वाला,
लेकिन काम कर चुका है, यानी कि आप इसे पानी के अंदर भी बांध सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार गाइस, अभी जो आप जो एक्सपेरिमेंट देखे वो हम लोग का था कि नॉर्मल हम लोग इसके पानी के अंदर, यानी कि हम लोग इस बल्ब को करेंट देकर किस तरह पानी के अंदर इसको जला सकते हैं, यानी कि आप इसे पानी से बचाकर कितना अंदर भी आप इसे जला सकते हो, यानी कि सिर्फ ये शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए, आप कितना अंदर भी इस बल्ब को जला सकते हो, पानी के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, ये बल्ब भी खराब नहीं होगा। लेकिन यार एक्चुअली हम लोग के दिमाग में ये ख्याल था कि हम लोग जब बारिश में इस बल्ब को जलते हुए देखते हैं, या आपको बहुत बार देखने को भी मिला होगा कि ये बारिश के पानी से ये बल्ब खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या मतलब इसको जब जानबूझ के इसके ऊपर पानी गिराएंगे, यानी कि जब बल्ब हीट होगा इसको हम लोग थोड़ी देर जला के रखेंगे और ये बल्ब जब हीट होगा इसके ऊपर हम लोग जब पानी डालेंगे तो क्या ये बल्ब खराब होगा या ये फूट जाएगा, जो कुछ भी होगा इसको भी हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हम लोग का ऐसा कुछ होता है, यानी कि हम लोग जानबूझ के इस बल्ब को खराब कर सकते हैं। ये हम लोग का बल्ब काफी हीट हो चुका है, मैं आपको विश्वास के लिए देख सकता हूँ कि अपने पूरे नल के पास आ चुका हूँ एंड इसका पूरा पानी बहुत ही ठंडा है। ठीक है, आपको इसके सामने दिखाते हैं, बल्ब हम लोग का पूरा हीट हो चुका है, अभी मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि ये बल्ब पानी से सिर्फ खराब होता है या फूटता है, तो आपको सिर्फ बंद रखना है। अभी देखिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो कि अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या बल्ब खराब होता है या नहीं। यार गाइस देख सकते हो ये बल्ब का हाल रहा है, पूरा आप टुकड़ा देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, बट आपको मैं बताऊं कि अच्छे से हम लोग इसको कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमें उम्मीद भी नहीं था कि यार ये इतना खतरनाक हो सकता है, जो कि ये बल्ब हम लोग थोड़ा सा सिर्फ नल को स्टार्ट किया और इतना तेज फूटा यार, मतलब हम लोग को भी नहीं समझ में आया। हम लोग को अंदाज होता तो इसमें 2-3 कैमरे लगा के आपको अच्छे से दिखाता, बट जो था वो आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ स्लो मोशन में, आप देख लो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला। बट गाइस हम लोग को बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं था कि ये इतना मतलब खतरनाक हो सकता है। यार दोस्तों ना हम लोग इसको दोबारा कवर करके दिखाते बट हिम्मत नहीं कर रहा है, एक्चुअली हम लोग को उम्मीद भी नहीं था यार कि मतलब इतना रिस्क लिए थे हम लोग इसको हाथ में पकड़ के और ये प्लग ऑन किया था, हमें उम्मीद भी नहीं था कि इतना ज्यादा ये ब्लास्ट करेगा, पर इसका हम लोग को उम्मीद मतलब नहीं था, लेकिन हम लोग को ये पता चल चुका है कि एक्चुअली ये क्यों फटता है। जब हम लोग डायरेक्ट इसके पानी के अंदर हम लोग इस बल्ब को लाइन मतलब इसमें कोई करंट नहीं देते, जब हम लोग ये बल्ब हीट नहीं हुआ था इसके अंदर हम जब लोग लगाए थे तो ये नॉर्मल बल रहा था, यानी कि पानी के अंदर भी जल रहा था, ठीक है, कुछ इस तरह से जल रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग इस बल्ब को हीट करके ठंडा पानी के संपर्क में लाए, यानी कि ठंडा पानी इसके ऊपर डाले तो ये फट गया, खराब ही मतलब ये खराब तो हुआ ही लेकिन ये फट गया, बिल्कुल हम लोग को ये उम्मीद नहीं था, इसलिए बारिश के पानी से हम लोग का बल्ब खराब हो जाता है, क्योंकि वो उस बारिश का पानी भी ज्यादा नहीं ठंडा होता है बट वो भी ठंडा ही होता है, पर ये मतलब हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर से अलग होता है, तो हम लोग का इसीलिए मतलब ये बल्ब खराब होता है बारिश के पानी से, ये हमें तो पता चला, लेकिन पहले भी उम्मीद था लेकिन लाइट देखे नहीं थे क्योंकि बल्ब खराब हो जाता है बारिश के पानी से, पर अंदाजा नहीं था, पर यार ऐसे फटता है ये हम लोग को बिल्कुल उम्मीद नहीं था। गाइस अभी तो वीडियो हम लोग की बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है हमें पता है, पर इस वीडियो के अंदर तीनों एक्सपेरिमेंट फाइनल करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट बाकी है, वो ये बाकी है कि हम लोग अभी तो पानी के अंदर इस बल्ब को जला के भी देख चुके हैं और इस बल्ब को हीट करके इसके ऊपर पानी डाल के ये भी जान चुके हैं, लेकिन अभी एक एक्सपेरिमेंट बाकी है, जो कि क्या हम लोग जब ये मतलब जो हम लोग का ये शीशा है, ये शीशा को तोड़ के सिर्फ एलिमेंट को, जो हम लोग का ये एलिमेंट दिख रहा है, जो इस सॉरी गाइस मुझे मतलब मैं सोचा ना कि इस प्लग को ऐड किया हूँ और इसको टच किया तो डर गया थोड़ा सा, ठीक है, तो ऐसा नहीं, मतलब ये हम लोग का जो शीशा है इसको हटा के और पानी के अंदर डालेंगे तो क्या ये बल्ब हम लोग का जलेगा या मतलब कुछ मतलब हम लोग को अलग देखने को मिलेगा, क्या रिएक्शन आता है इसका, हम लोग को भी अंदाज नहीं है। अपन लोग का ये देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कट हो चुका है, यानी कि तोड़ चुके हैं हम लोग को, यहाँ पे मैं कट करने के लिए मेरे पास ये पड़ा था जो कि शीशा कटर है, तो पहले मैं यहाँ पे काम करता था इसे तो ये मेरे पास था, ठीक है, इसके अलावा मैं पटर से इस्तेमाल से इसको तोड़ लिया। और अपन लोग का अभी फाइनल क्या होता है कि हम लोग इस गिलास में पानी को फुल कर लेते हैं और इसको करेंगे हम लोग पहले इसको जला लेंगे, यानी कि हम लोग का ये पानी के अंदर डाल के जलाएंगे, क्योंकि हम लोग को उम्मीद है कि इसको बाहर जलाएंगे तो जलाते ही खराब हो जाएगा, लेकिन हम लोग को इसके पानी के अंदर देखना है कि इसका रिएक्शन क्या आता है, ठीक है, तो हम लोग फटाफट से करते हैं और इस ग्लास में पानी को भर लेते हैं और इसको बहुत ही बारीकी से होल्डर के अंदर भी इसको लगा देते हैं ताकि हम लोग का एलिमेंट जो है
वो खराब ना हो, ठीक है। और हम लोग ग्लास को पानी से अच्छे से भर लेते हैं और वो जो कचरा है हम लोग का उसको भी हटा देते हैं ताकि आपको दिखे ना टूटे, मतलब बहुत बुरा लग रहा है उसको, तो हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है। अभी अपन लोग इसे बहुत ही अच्छे से सेट कर चुके हैं, जैसा कि देख लो आप इसके एलिमेंट को हम लोग लगा चुके हैं ताकि शीशा के अंदर ये मतलब सेट नहीं है, मतलब शीशा में टच नहीं है, इन टेप की मदद से इसको कवर कर चुके हैं। अभी इसके अंदर हम लोग करंट देके देखते हैं क्या ये पानी के अंदर विदाउट यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट जलता है कि नहीं, यानी कि जो बल्ब का एलिमेंट है सिर्फ वो जलता है कि नहीं पानी के अंदर, और जलता है तो कितने देर जलता है। और ये पानी एक और इसमें एक्सपेरिमेंट हो जा रहा है कि ये पानी मतलब सिर्फ एलिमेंट के मदद से ये हीट हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप ये घर पे करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि हम आपको करके दिखा ही रहे हैं। तो अभी इसको देख लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो अभी हम लोग पूरा तरह से रेडी हो चुका है, वायरिंग भी आप देख सकते हो कि वायरिंग हम लोग पूरा कंप्लीट है एंड थोड़ा सा उससे दूरी से ही है ताकि पूरा हम लोग सावधानी के साथ है, तो आप इसका बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। यार ये तो करंट देते ही बड़ा तरह से जल गया, यानी कि पूरा खत्म हो। यार देखो यहाँ पे पानी इसमें उबाल हो रहा है, यानी कि मतलब यहाँ पे शीशा है तो इसको टच करना मतलब खतरे से खाली नहीं है, तो हम लोग टच नहीं करेंगे। बट आप यहाँ पे देखो कि पूरा तरह से वो मतलब वो यार लग रहा है कि मतलब जल रहा है, कैमरे के अंदर आप देखोगे तो वहां पे जल रहा है, जल रहा है। बट यहाँ पे देखो पानी हम लोग का हीट होना स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पानी में हम लोग का करंट बल्ब पूरा तरह से है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट की मदद से वो हीट हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है लेकिन हम लोग का पानी हीट हो रहा है। शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा पर वहाँ पे पानी हम लोग का हीट हो रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि पानी कब तक हीट हो जाता है, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, टच करेंगे तो हम लोग भी बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करके हम लोग देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होता है प्लग निकालने के बाद। अब हम लोग काफी समय वेट कर चुके हैं, अभी इसको बाहर निकालते हैं, प्लग लाइट को हट करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं ताकि एलिमेंट हम लोग का इसमें करंट ना हो। तो अभी हम लोग का पूरा एक कंप्लीट सेटअप हो चुका है, मतलब यहाँ पे पूरा हट चुका है करंट। तो अभी टेप को निकालते हैं और यार ये गिलास तो पूरा हीट हो चुका है यार, बहुत ज्यादा हीट हो चुका है। बट ये नीचे से मतलब हीट नहीं है, यहाँ पे नीचे ठंडा है, ऊपर हीट हो चुका है क्योंकि ठंडी का मौसम है, जैसा कि आपको देख ही रहा है वो, मतलब यहाँ पे हम लोग स्वेटर पहने हुए हैं क्योंकि ठंडी ज्यादा है। आज कुछ ज्यादा ही ठंडी था क्योंकि कोहरा आप लोगों के पास ना बहुत ज्यादा घिरा हुआ था, क्योंकि हम लोग गाँव में थे, हम लोग को लग रहा था ठंडी नहीं पड़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी यार, बहुत ज्यादा कोहरा था सुबह में। बट कोहरा आता है तो बहुत मजा आता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी लगती है बट कोहरा देखने में बहुत इंजॉय आता है। तो यहाँ पे हम लोग का एलिमेंट भी बाहर आ चुका है, पर ये एलिमेंट पूरा तरह से देख सकते हो कि काला हो चुका है, यानी कि जल चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो पानी के अंदर हम लोग का एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल खराब रहा है, आप लोगों को भी इंजॉय नहीं आ रहा होगा मुझे उम्मीद लग रहा है, बट आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा है क्योंकि यार हम लोग जब छोटे थे, यानी कि अभी भी आप दिमाग में ख्याल आता था क्योंकि अभी भी हम लोग के पास ये बल्ब चलता है, अभी भी घर में देखते हैं, बाहर के घर में देखते हैं, आसपास पड़ोस में भी देखते हैं, ये बल्ब इस्तेमाल करते हैं लोग। बट यार हम लोग के ख्याल में आता था कि जो इसका एलिमेंट है क्या ये मतलब इसके अंदर कौन सी गैस होती है कि जो इसके मतलब बिना यूज हम लोग के गैस के अलावा ये नहीं जलता है, और इसको जैसे ही पानी में हम लोग डाले तो ये खराब हो गया, जैसे कि थोड़ा सा जला लेकिन खराब हो गया, ठीक है। बट इसको बाहर से भी जलाएंगे ना तो भी वैसा ही रिएक्शन आता है, जैसे कि हम लोग पानी के अंदर नहीं डालेंगे तो भी ये वैसा ही रिएक्शन आता है, हमें उम्मीद लग रहा है। मतलब चेक नहीं किए हुए हैं, वही चेक करके दिखाते हैं, बट फालतू वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर 3 एक्सपेरिमेंट दिखा चुके हैं हम लोग। तो वीडियो आज की यहीं पे खत्म होती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करने का मन हो इच्छा करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा।